everyone, welcome back to my channel. This is me, your Ashoka. Welcome back to another excited videos. I hope you are doing great. So आज का जो वीडियो होगा वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना और खतरनाक है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फेस शेविंग यूज करने वाली हूँ. रियली गाइस, मुझे नहीं पता क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या होगा. मैं ये पूरा पैकिंग है, मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक, मैंने ट्राई भी नहीं किया है. मैं जो करूँगी यहीं पे करूँगी आप लोगों के साथ लाइव, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को. तो मैं उसी में आपको ए टू जेड डिटेल दे दूँगी कि या ये आपको घर पे करना अच्छा रहेगा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो मैं पूरा डिटेल देने की कोशिश करूँगी. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और वीडियो पे बने रहिए. और अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. और दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप लोग चाहे तो यहाँ पे मुझे भी फॉलो कर सकते हैं. सो या विदाउट फॉर डू लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ये वाला जो आजकल ट्रेंडिंग में चला है थ्री वाला फेस शेविंग, मैंने वही लिया है. और ये मैं ऑनलाइन आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. ये आई थिंक ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 80-85 में अवेलेबल है. बट आई थिंक सो कि आप लोकल मार्केट में आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा. मुझे ये पैकेट 40 रुपीज़ का मिला है तीनों. 50 में बोल रहे थे, मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया, 40 पे आ गए. आप लोग भी अगर बार्गेनिंग करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 50 तक आपको ईजिली मिल जाएगा. तीन का सेट है इसमें, तीनों अलग अलग है. और एक आप एक रेज़र कम से कम 25-30 बार आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली मेरा उतना ज़्यादा हेयर नहीं है, मेरा इतना ज़्यादा हाथ पे भी मेरे इतने ज़्यादा बाल नहीं आते हैं. देन आईब्रो को छोड़ के, क्योंकि आईब्रो की बात ही अलग होती है, बट यहाँ पे फेस पे इतने नहीं आते हैं. जिन लोगों के ज़्यादा आते हैं वो आई थिंक सो कि 20-25 बार ही आप एक रेज़र यूज़ करिए, फिर नेक्स्ट चेंज कर लीजिए. और आप अगर किसी दूसरे बॉडी पार्ट में आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइज, ये मजाक नहीं है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा. अगर आप किसी दूसरे पार्ट पे आप लोग अपना रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे फेस पे शेव मत करिएगा. और फेस शेविंग को बॉडी पे किसी भी जगह पे आप यूज़ मत करिएगा, अलग ही रखिएगा. और एक शेविंग आराम से आप 6-7 महीना तो चला ही सकते हैं क्योंकि महीने में एक दिन शेव बहुत है, महीने में 2 महीने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिन लोगों को हेयर ग्रोथ होता है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है. हम जैसे लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं चाहूँगी ट्रायल करना कि क्या है, कैसा है, नहीं है. मैं पूरा डिटेल्स बोलना चाहूँगी. तो या मैंने जितने लोगों के, जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, मैं उन लोगों के वीडियोस देखी थी, उसके पूरे डिटेल्स मैंने पढ़ा है जो जो मुझे लगा. तो या सबसे पहले मैं इसका पैकेजिंग खोलती हूँ. मुझे नहीं पता, मैं खुद भी थोड़ा सा अंदर से घबरा रही हूँ, बट कोई नहीं, करना तो पड़ेगा. खैर, ये इस तरह का कुछ पैकिंग है. तो मैं यहाँ से एक सो ये मैं येलो वाला निकाली हूँ. यहाँ पे दो और बचा हुआ है. यहाँ पे सबसे अच्छा लगा इसकी ये है. और यहाँ पे ये कैप प्रोवाइड किया गया है, मतलब आप यूज़ करके. ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इसका ये कैप ही लगा क्योंकि नॉर्मल रेज़र में आपको कोई ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग नॉर्मली रेज़ करके कहीं भी बाथरूम में फेंक देते हैं या ऐसे रूम में ऐसे ताक पे रख देते हैं या कहीं पे ऐसे रख देते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद जब फिर ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ से उठा के हम लोग ऐसे ही बस शुरू हो जाते हैं रेज़र करना. तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा. इसमें मुझे ये लगा कि एक सेफ्टी, आप कहीं भी फेंक दो, पड़ा रहे, भाड़ में जाए, तो ये एक सेफ रहेगा, एक सिक्योर रहेगा, जम्स नहीं लगेंगे, अच्छा रहेगा फेस पे. आप दोबारा इसे कर सकते हैं. इसे आपको ये इस एंगल में ऐसे इसको ये चलाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में तो पूरा डिटेल बाद में बताऊंगी. पहले, सबसे पहले इसको यूज़ करने से पहले आपको अपना फेस वॉश करना है. फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल अप्लाई करना है. तो या मैं जल्द से फेस वॉश करके आती. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेस वॉश करूँगी. फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का फेस वॉश, एलोवेरा वाला. वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. और देन मैं फेस वॉश करने के बाद मैं एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी, पतंजलि का. आप एलोवेरा जेल के अलावा कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं. मेक श्योर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए, उसके बाद ही फेस सेविंग आप करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा. और मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल लगाने के बाद थोड़ा सा फेस को मसाज करिए. और मसाज करने के बाद आप 5 सेकेंड या 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जिससे वो एब्जॉर्ब कर ले, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसके बाद मैं शुरू करती हूँ फेस शेविंग. जो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कैसे करूँगी.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आपका जो फेस शेविंग है उसे 45 डिग्री पे पकड़ना है, और बहुत ही मैंने हल्के हाथ से पकड़ना है। और मैं यहाँ पे ब्लेड जैसे ही फर्स्ट बार चलाई, वो इतना ज़्यादा मुझे घबराहट हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, कि वो बहुत अजीब सा वो उस वक्त ब्लेड लगा, क्योंकि मुझे वो सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा था। कम से कम मुझे 2 सेकंड लगा मुझे वो समझने में, 2 से 3 सेकंड लगा कि यार वो कैसे चलेगा। उसके बाद एक बार चलने के बाद इतना स्मूथली गाइस हेयर रिमूव हो रहे थे, मैं बता नहीं सकती। ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार अगर हाथ सेट हो जाएगा तो आप लोग इजीली कर पाओगे, आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से एंगल में आपको इसे चलाना है। तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे 48 पे भी थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है। देन मैंने यहाँ पे अपने अपर लिप पे, मेरे अपर लिप पे इतने नहीं होते हैं हेयर ग्रोथ, बट फिर भी मैंने हल्का हल्का थोड़ा बहुत होता है तो उसी को मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है। और देन इसके बाद का जो रिज़ल्ट था, सो बेसिकली गाइस, ओ माई गॉड, एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं कैमरे में देखकर बना रही थी, तो मेरे यहाँ पे थोड़े थोड़े थे, और यहाँ पे पता है मतलब एक होता है ना, या लगता है कि हाँ आपको थोड़ा बहुत मैंने बाल है, ये जगह बेसिकली ये दोनों साइड मेरे एकदम सॉफ्ट लग रहे, एकदम सॉफ्ट, एकदम क्लियर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट हाँ, इसकी अगर मैं ब्लेड की बात करूँ तो या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऐसे 45 डिग्री में रखना है, जैसे मैं आप लोगों के साथ पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, और इसे ऐसे ही चलाना है। जब आप चलाएंगे ना तो आपको फील होगा कि ये कटेगा नहीं, मतलब उस तरह का, अगर आप ऐसे खट से कर लेंगे तो यह कटेगा। आप इजीली हल्के हाथ से, एकदम हल्का हाथ, बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है, बस ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पे ये हाथ यहाँ पे रखना है, और ये ऐसे स्मूदली आप चलाएंगे, आपको खुद ही यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से, मैं आप लोगों के साथ दिखा नहीं पा रही हूँ, शायद आपको लग रहा होगा यहाँ की स्किन है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सो बेसिकली ये इस तरह का था। थोड़ा सा डेंजरस लगा मुझे, बहुत ज़्यादा पहले डर लग रहा था क्योंकि ये पहले हो नहीं रहा था। सो या ये कुछ 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 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है, और ये इस तरह से इसे रेस करना है, तब जाके ये परफेक्टली होगा। और उसके बाद इसे सेफली आप इसे, अगर आप इसे वॉश करना चाहते हैं तो आई थिंक सो कि इसे क्लियर करने के लिए बेस्ट होगा आप एक कटोरी में डिटॉल ले, और उस पानी लेकर डिटॉल थोड़ा सा लेकर इसे थोड़ा डिप कर ले, जितने सारे जम्स रहेंगे जो भी रहेगा वो सारा नीट एंड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देन आप इस पे कैप अपना लगा सकते हैं, ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड फील कर रही हूँ। सो खैर, आज का वीडियो कुछ इसी तरह का था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, ये थोड़ा सा हेल्प था आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट बिलो में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।